तो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह होता है। अगर आप दुआएं सोचोगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम को सोचोगे तो आप प्रॉब्लम को ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए हमेशा अपना जो ब्रेन है उसे पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक मैनर में लगाएं। हमेशा अच्छी बातें सोचें, मोटिवेटेड रहें, जिससे बाहर की दुनिया भी आप लोगों को उतनी ही ज़्यादा मोटिवेट करे। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अप्रैल 25, 2019 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले, आई एम अ वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर ऑन अकेडमी। और अगर आप लोग अन अकेडमी के प्लस मॉडल की तरफ जा रहे हो तो आप लोग मेरा रेफरल कोड aman.sharma का इस्तेमाल करके 10% का फ्लैट बेनिफिट उठा सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। कल का सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया कैटेगराइज्ड एज ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री। देखो, यहाँ पर 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने चार कलर कोडिंग के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया था। चार कलर कोडिंग यहाँ पे दी गई थी पॉल्यूशन इंडेक्स के बेसिस पे, कि कौन सी यहाँ पर इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन फैलाती है। इसके बेसिस पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया था रेड कैटेगरी को, ऑरेंज कैटेगरी को, ग्रीन कैटेगरी को और यहाँ पर वाइट कैटेगरी को। ग्रीन कैटेगरी की यहाँ पे बात हो रही है। ग्रीन कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जिनका जो पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर है वो 21 और 40 के यहाँ पर बीच में आता है। अगर मैं पॉल्यूशन इंडेक्स की बात करूँ तो व्हाट इज दिस पीआई, पॉल्यूशन इंडेक्स क्या होता है? पॉल्यूशन इंडेक्स मेजर्स द लेवल ऑफ एमिशन, कि यहाँ पर लेवल ऑफ एमिशन क्या है जिस वजह से एयर पॉल्यूशन यहाँ पर कॉज होता है। यहाँ पर जिन जिन इंडस्ट्रीज को लिस्ट आउट किया गया था वो सब ही ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर वन पे आपको खबर मिलती है, सुप्रीम कोर्ट फर्म ऑन अनअर्थनिंग लार्जर प्लॉट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजॉल्व किया है, इस चीज़ का रिजोल्यूशन लिया है कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट के जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सही है या नहीं, क्या वो किसी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, क्या इसमें बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं, कुछ डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज और फिक्सर्स इन्वॉल्व हैं जो कि जुडिशरी के पद को यहाँ पर गिराना चाहते हैं, उनके खिलाफ अच्छी तरीके से इंक्वायरी की जाएगी। एक स्पेशल बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जिन्होंने यहाँ पर एक एफिडेविट को एंटरटेन किया। वो जो एफिडेविट है वो एक सील्ड कवर के अंदर आया था जो यहाँ पर दिया यंग लॉयर उत्सव सिंह भेंस ने। मिस्टर भेंस यहाँ पर क्लेम करते हैं कि ही वॉज एंटाइज्ड विद मनी, उनको पैसे देकर यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के खिलाफ एक फॉल्स केस डालें। मिस्टर बीन सेड उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एविडेंस है जिससे वो इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉबी काम कर रही है चीफ जस्टिस और जुडिशियरी को यहाँ पर काम करने से रोकने के लिए, जो हमारी जुडिशियरी को रेप्यूटेशन से गिराने के लिए। इन इट्स 4-पेज ऑर्डर जो बेंच था उसने रिकॉर्ड किया मिस्टर बेंस को, और यहाँ पर दो फॉर्मर अपेक्स कोर्ट एम्प्लॉय को भी नेम किया गया, तपन कुमार चक्रवर्ती और मानव शर्मा को, जो उन्होंने अभी जिनको अभी रिसेंटली डिसमिस किया गया था फ्रॉम दी सर्विसेज फॉर अलीजली डॉक्टरिंग अ जुडिशियल ऑर्डर इन दी कंटेम्प्ट केस बिटवीन एरिक्सन एंड बिजनेसमैन अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी जी और यहाँ पर जो एरिक्सन के बीच में जो एक केस था उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर करने में उन दो लोगों का हाथ था, इसलिए उन दोनों लोगों को निकाल दिया गया था। और यहाँ पर उन दोनों लोगों का नाम भी सामने आया है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने समन किया सीबीआई के डायरेक्टर को, डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो को, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को, टू द जजेस चैम्बर एट 12:30 PM। और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया कि आप रेलिवेंट जो मटेरियल हैं, जो रेलिवेंट दस्तावेज हैं, उनको आप लोग पेश करें जिससे मिस्टर भेंस के एफिडेविट को यहाँ पर मदद मिल सके। दिस डेवलपमेंट केम अ डे आफ्टर फ्रॉम द कोर्ट जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी को फॉर्म किया अंडर द गाइडेंस ऑफ जस्टिस एस ए बोबडे, जो कि यहाँ पर डील करेंगे कि यहाँ पर जो वुमेन एम्प्लॉय ने केस डाला है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ, जो यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन रेज हुए हैं वो सही है या नहीं, वो जो 3-मेंबर कमिटी बनी है उसके बाद ये यहाँ पर हमें डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया है।
साथ ही इस बेंच ने इस चीज को भी क्लेरिफाई कर दिया कि जो मिस्टर बेंच ने यहाँ पे जो क्लेम किया है वो सुपरसीड नहीं करेगा उस पर्टिकुलर इंक्वायरी को जो कि एक जजेस पैनल कंडक्ट कर रहा है उस महिला के एलिगेशन के अंदर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के खिलाफ यहाँ पर लगाया गया है। पेज नंबर 1 पे आपको एक और खबर मिलती है, पोटैटो फार्मर्स क्राई फाउल एज पेप्सिको सूज देम। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पेप्सिको ने गुजराती फार्मर्स को यहाँ पर सू किया है और गुजराती फार्मर्स को बोला है कि आप लोगों को 1.05 करोड़ रुपए पे करने हैं पेप्सिको को, क्योंकि यहाँ पर उनके जो राइट्स हैं, जो पेप्सिको के राइट्स हैं, उनको इन्फ्रिंज किया गया है वही पोटैटो वैरायटी को ग्रो करके जो कि लेस चिप्स के अंदर इस्तेमाल होती है। फार्मर्स ग्रुप हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉलिंग फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे जो फार्मर्स ग्रुप है जो कि यहाँ पे काम करता है फार्मर्स के लिए, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि सरकार इस चीज़ में हस्तक्षेप दे कि यहाँ पर जो फार्मर्स के राइट हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। ये जो केस है इसको अहमदाबाद कोर्ट हियर करेगी। यहाँ पे क्या हुआ है, वार्निंग दैट द केस कुड सेट अप प्रेसिडेंट फॉर अदर क्रॉप्स। अब देखो इस केस में अगर यहाँ पर कोर्ट ये फैसला लेती है कि पेप्सिको को पैसे दिए जाएंगे तो यहाँ पर एक अलग चीज़ आ जाएगी कि जो एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अपनी यहाँ पे स्पेशल वेराइटीज़ के यहाँ पे पोटैटोज देती हैं, बाकी सारी क्रॉप्स से सामान देती हैं, वो चीज़ें हमारे फार्मर्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर ये यहाँ पर फार्मर्स के हक में जाता है तो एक और बड़ा यहाँ पर नया लॉ आ जाएगा जो कि अलाउ करेगा कि हम लोग नई नई वेराइटीज़ को ग्रो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं यहाँ पर मार्केट में बिना उनको यहाँ पर ब्रांड के साथ यहाँ पर डील करते हुए। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए और यहाँ पे जो प्लांट वैराइटीज और फार्मर्स राइट अथॉरिटी है उसने यहाँ पर कोर्ट के अंदर सबमिट किया है ऑन द फार्मर्स बिहाफ। और यहाँ पे जो लीगल कॉस्ट है वो नेशनल जीन फंड से यहाँ पर फंड आउट की जाएगी। जो टी के नागरत्ना है जो कि PPVNFRA के रजिस्ट्रार हैं, PPVNFRA इज प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी who has jurisdiction for the vegetable crops, उन्होंने बोला है कि जो केस है वो उनके नोटिस में आया और यहाँ पर हम लोग कोर्ट के पास इसलिए गए हैं कि उनको एक नॉन बायस्ड एक डिसीजन देखने को मिले। जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं और वो अराउंड 3-4 एकड़ के लैंड ऑन एवरेज यहाँ पर होल्ड करते हैं जो कि पोटैटो क्रॉप यहाँ पर ग्रो करते हैं फ्रॉम दी फार्म सेव्ड सीड आफ्टर दे असेस दी पोटैटो सीड लोकली इन 2018। अब यहाँ पे पेप्सिको ने यहाँ पे अलीज किया है कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की मदद से यहाँ पर पेप्सिको के पास वो इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर उन्हीं के जैसे सेम वैरायटी के जो पोटैटोज हैं उनको ग्रो किया जा रहा है। उन्हें अप्रैल 9 जो अहमदाबाद की जो कमर्शियल कोर्ट जज हैं वो यहाँ पर एक इंटरिम इंजेक्शन उन्होंने प्रोवाइड करा अगेंस्ट द फार्मर्स और यहाँ पे अपॉइंट करा एक कमिश्नर को जो कि एक इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे, सैंपल लेंगे और यहाँ पर उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट लैब के अंदर भेजा जाएगा एक अच्छे खासे एनालिसिस के लिए। अब जो यहाँ पर केस है वो अप्रैल 26 को लिस्ट किया गया है और देखते हैं हमारे सामने क्या एक बड़ा डिसीजन आने वाला है। पेज नंबर 7 आपको खबर मिलती है, 10 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैड रोल इन क्रॉस LOC ट्रेड। आपको याद होगा अभी अप्रैल के अंदर सरकार ने ऑर्डर निकाल के जो LOC के अराउंड जो ट्रेड होता है उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक टेम्पररी सस्पेंशन है और सरकार ने बोला हम लोगों ने सस्पेंशन क्यों किया है क्योंकि हम लोगों के पास एक इलीगल ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन थी, कुछ इलीगल वेपन्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर रूट से आ रहे थे, यहाँ पर टैक्स इवेड किया जा रहा था एज वेल एज यहाँ पर फेक करेंसी भी पाकिस्तान की साइड से हमारे देश में आ रही थी। यहाँ पे 10 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है जो कि यहाँ पर इलीगल वेपन, नारकोटिक्स और फेक करेंसी के जो इलीगल ट्रेड है उसके अंदर इन्वॉल्व है इन द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ट्रेड होता है उसके अंदर यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर बोला कि जो मिलिटेंट्स हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, ओके और जो सोर्सेज हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि अभी जो ये टेम्प्ररी सस्पेंशन है इसको हमें बरकरार रखना चाहिए। पेज नंबर 7 पे आपको एक और खबर मिलती है, आर्मी टू बिल्ड टनल्स टू स्टोर दी एम्यूनिशन। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इंडियन आर्मी एक डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। इंडियन आर्मी कह रही है कि वो एक अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे जिसके अंदर वो अपने एम्यूनिशंस को, अपने वेपन्स को, अपने यहाँ पे जो गोली बारूद होता है उसको यहाँ पर स्टोर कर सकेंगे अलॉन्ग दी बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है NHPC लिमिटेड उसको यहाँ पर इस काम को सौंपा गया है।
इंडियन आर्मी इज इन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग पायलट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो कंस्ट्रक्ट करेंगे सेमी अंडरग्राउंड एंड कार्बन टाइप एम्यूनिशन स्टोरेज, जिसको यहाँ पे NHPC लिमिटेड कंस्ट्रक्ट करेगी, जिसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर साइन आउट किया जाएगा। जो अंडरग्राउंड स्टोरेज होगी उसके अंदर यहाँ पे इम्प्रूव सेफ्टी, ईजियर कैमोफ्लेज का मतलब ये होता है छुपाना फ्रॉम, और हम लोग एनिमी के ऑब्जर्वेशन से छुपा पाएंगे। सेटेलाइट इमेजिंग भी यहाँ पर उन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और एनिमी स्ट्राइक से भी हम अपने एम्यूनिशंस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट में आई हैं। ये जो कुछ टनल्स हैं इनको सबसे पहले बिल्टअप किया जाएगा इन दी हाई एल्टीट्यूड एरियाज इन दी नॉर्दर्न एंड दी ईस्टर्न बॉर्डर्स। इनिशियली यहाँ पे 4 पायलट प्रोजेक्ट लिए जाएंगे डिफरेंट लोकेशन अलॉन्ग विद दी नॉर्दर्न बॉर्डर्स एंड इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी यहाँ पे कीमत अराउंड 15 करोड़ रुपीज़ की आने वाली है। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 2 साल के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है हमारे सामने बन के तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10। आपको एक बहुत बड़ा आर्टिकल मिलता है, ये अभी तक का सबसे बड़ा आर्टिकल है जो कि एक सेम सिंगल आर्टिकल में आप लोगों के साथ डिस्कशन में लेने वाला हूं, क्योंकि इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पेज नंबर 10 पे आपको खबर मिलती है द सुप्रीम कोर्ट कमिटी एंटी इंस्टीट्यूशनल बायस। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठ गए हैं, खासकर जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के खिलाफ एक हमें सेक्सुअल हरासमेंट का केस देखने को मिला है, एलिगेशंस देखने को मिले हैं, और उसके अंदर जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको यहाँ पर वायलेट किया गया है। कल मैंने आपको अच्छी तरीके से रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस समझाया था, उसके 2 इंपॉर्टेंट कोर पिलर्स होते हैं, उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप करके ज़रूर बताना। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी जिसके अंदर जस्टिस S.A. बोबडे हैं, जस्टिस N.V. रमना हैं और यहाँ पे जस्टिस इंदिरा बैनर्जी हैं। तीनों ही जो जजेस हैं वो अपनी अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे लिए कंपिटेंस के लिए फेमस हैं, ऑब्जेक्टिविटी के लिए फेमस हैं, एक्सपीरियंस के लिए फेमस हैं और इंडिपेंडेंस के लिए फेमस हैं। आप लोगों को याद होगा जब साबरीमाला केस था उस समय पर इंदिरा बनर्जी इकलौती ऐसी जज थी जिनका यहाँ पर जो मत था बाकी सारे जजेस से अलग था। जिनमें से 2 जजेस की अगर हम लोग बात करें, जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस रमना, दोनों ही यहाँ पे आगे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। येट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी रेजेज अ वेरी सीरियस एंड प्रोफाउंड क्वेश्चन। पर अभी भी जो ये कमिटी को बनाया गया है उसकी वजह से बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो गए हैं जिनके ऊपर डिबेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके ऊपर अब डिबेट नहीं किया जाएगा तो ये समझा जाएगा कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करें तो 1997 के अंदर विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर एक जजमेंट आया था, जो जजमेंट यहाँ पर विशाखा गाइडलाइन के लिए फेमस है, एक बहुत ही फेमस जजमेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेट करते हुए क्या आया था, नाउ इन दी एब्सेंस ऑफ एनी डोमेस्टिक लॉ, अगर कोई भी डोमेस्टिक लॉ नहीं होगा, ऑक्यूपाइंग अ फील्ड प्रोवाइडिंग फॉर मेजर्स टू चेक द एनविल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जिसकी कोई भी लॉ नहीं है जिसकी मदद से हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को डील कर सकें, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करके अंडर आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पे नए लॉज को ले डाउन कर सकता है उस पर्टिकुलर वैक्यूम को फिलअप करने के लिए। इन सब चीज़ों करने के लिए जो जजेस होंगे वो एम्फोसाइज करेंगे ऑन दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 19(1)(g) एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड आर्टिकल नंबर 51(c) एंड 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एम्फोसाइज किए जाएंगे गारंटी ऑफ जेंडर इक्वलिटी, राइट टू वर्क विद ह्यूमन डिग्निटी। इसके साथ साथ जो जजेस हैं वो रिलाय करते हैं ऑन दी बीजिंग डिक्लेरेशन ऑफ 1995, जहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ एशिया एंड पैसिफिक हैड इंटर एलिया डिक्लेयर दैट अमंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। क्या और हैं यहाँ पे फंक्शंस एंड जुडिशरी के, और भी क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पे टू एंश्योर दैट ऑल पर्संस, जितने भी लोग हों उनको यहाँ पर सिक्योरली जीने का अधिकार हो अंडर द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे सबसे ऊपर रहने वाले लॉ हैं। यहाँ पे रिलाय किया जाता है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन के ऊपर, और जजेस यहाँ पे रेफर करते हैं टू द राइट्स ऑफ वीमेन, इन पर्टिकुलर द राइट ऑफ वर्क, इन एलिनेबल राइट जो कि यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड टू सेफ्टी ऑफ वर्किंग कंडीशंस। तो इन सब राइट्स का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था इन अ व्यू ऑफ द अबव कि यहाँ पर जो लॉज नहीं है तो इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए एक नया लॉ आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ जेंडर इक्वलिटी,
गारंटी अगेंस्ट दी सेक्सुअल हरासमेंट एंड एब्यूज, मोर पर्टिकुलरली यहाँ पर अगेंस्ट दी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जिसके लिए गाइडलाइंस और कुछ नॉर्म्स को हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस और नॉर्म्स के अंदर जो कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं वो है, नंबर वन कि एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं वर्क प्लेस पे और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में उनकी क्या क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोला गया था इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की यहाँ पे ड्यूटी होगी, रिस्पॉन्सिबल पर्सनस की यहाँ पे ड्यूटी होगी कि यहाँ पर प्रिवेंट किया जाए, डेटर किया जाए उन सारे के सारे एक्ट्स को जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से लिंक करते हैं। इसके साथ साथ कंप्लेंट्स कमेटी का भी यहाँ पे जिक्र था कि कंप्लेंट्स कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी जिसको एक महिला हेड करेंगी एंड नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स मेंबर्स शुड बी वुमेन। तो कम से कम आधे मेंबर भी यहाँ पर उस कमेटी के महिला ही होनी चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ICC के नाम से भी आप लोग जानते हो। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने फाइनली डायरेक्ट किया था कि जो बाकी सारी जो गाइडलाइंस हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा सारी के सारी वर्क प्लेस के ऊपर फॉर दी प्रिजर्वेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द राइट टू जेंडर इक्वलिटी ऑफ द वर्किंग वुमेन। जो डायरेक्शंस थे ये सबके लिए बाइंडिंग होंगे, एनफोर्सेबल होंगे और ये जो लॉज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज थे। हमारे सामने आया द जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क एट सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल गाइडलाइंस ऑफ 2013। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग से यहाँ पर 2013 के अंदर गाइडलाइंस आई थी। इसके प्रियम्बल में है, हैव द लॉडेटरी ऑब्जेक्टिव्स बट अपील टू एक्सक्लूड द कोर्ट स्टाफ फ्रॉम देयर अम्ब्रेला एंड प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं एक अच्छी गाइडलाइंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव के साथ हैं, बट ये एक्सक्लूड करती हैं कोर्ट स्टाफ को फ्रॉम देयर अम्ब्रेला प्रोटेक्शन। ओके, कोर्ट स्टाफ को यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। अब यहाँ पर जो कमिटी का यहाँ पर गठन होता है अंडर द रेगुलेशन 4, जिसके अंदर कम से कम कितने मेंबर होंगे, 7 मेंबर्स होंगे, उनको विशाखा केस के जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से फॉर्म किया जाएगा। असेंशली इट रिक्वायर्स ओनली वुमेन टू बी अपॉइंटेड इंक्लूडेड एज द चेयरपर्सन फ्रॉम द बेंच, और जो बार है, रजिस्ट्री है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व होंगी इन द विद द कॉज ऑफ द वुमेन। ये सेफ गाइड्स हैं जिसकी मदद से जो कमेटी है उसका गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद के इंटरनल मैनर में विशाखा गाइडलाइंस को या विशाखा जजमेंट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने में फेल रही है, साथ ही पार्लियामेंट भी फेल रहा है इन एक्ट्स को, जो एक्ट था 2013 का उसको कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर इंप्लीमेंट करने से। क्लियरली जो जजेस हैं उन्होंने अपने आप को इस पर्टिकुलर एक्ट के एम्बिट से बाहर रखा है, इनकी रेगुलेशन से बाहर रखा है। एटलीस्ट अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बाहर है इन सारी की सारी गाइडलाइंस के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस क्वेश्चन रेज आउट करता है हमारे देश के रैशनल और जस्टिफिकेशन के अंदर कि क्यों यहाँ पर जुडिशरी बाहर है इन सारी की सारी गाइडलाइंस से। जब बात की गई थी कि विशाखा जजमेंट जो है वो बाइंडिंग होगा सब लोगों के लिए, द कोर्ट कुड नॉट अपॉइंट अ कमिटी एज ए डेट टू एग्जामिन द एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लेटर और स्पिरिट ऑफ एक्ट और गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर एक कमिटी का गठन किया भी जाता है तो कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, बिकॉज ही इज़ दी मास्टर ऑफ द रोस्टर। और यहाँ पर अगर केस ही CJI के खिलाफ है तो यहाँ पर किस तरीके से काम होगा इसका भी कोई यहाँ पर बात नहीं है। तो महिलाओं की डिग्निटी का जुडिशरी के अंदर यहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया जब विशाखा जजमेंट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ओके, तो एक रैशनल मैनर में जो विशाखा जजमेंट है उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। टू ऐड टू द वोज ऑफ द कंप्लेनेंट, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ट्रबलिंग स्टेटमेंट है जो कि इश्यू किया है यहाँ पे, अगर हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स की माने और बाकी सारी चीज़ों की माने तो जो डायरेक्टली जो सीजे आए हैं उनके खिलाफ यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगाए जा रहे हैं। द ओनली विटनेस हु कुड पॉसिबली सपोर्ट हर वर्जन आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कोर्ट। अब एम्प्लॉयज ऑफ द कोर्ट सामने आएंगे या नहीं आएंगे ये हमें नहीं पता, या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो बाकी जो बेंच के मेंबर्स कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश हो सकती है यहाँ पे जुडिशरी के खिलाफ वो सच है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नेचुरल जस्टिस के बारे में या डिवाइन जस्टिस के बारे में, इट इज़ अ ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल जिससे हम अपने लॉज को एम्पावर करते हैं विद फेयरनेस टू सिक्योर द जस्टिस, जिससे जस्टिस के अंदर कोई मिसकैरियज ना हो इसलिए हम लोग इन सारी की सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। गुड एडमिनिस्ट्रेशन वुड नेचुरली रिक्वायर फेयर प्ले इन दिस पर्टिकुलर एक्शन। एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे ये मजबूर करता था।
यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो हिस्ट्री है लिबर्टी की, इट हैज़ लार्जली बीन द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेंट ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। अगर हम लोग लिबर्टी की हिस्ट्री की बात करें तो असलियत में लिबर्टी क्या, किसे हम लोग बोलते हैं? लिबर्टी वो चीज़ है जिसकी मदद से हमें सेफ गार्डिंग मिलती है, तभी हम लोग यहाँ पर लिबरल हो पाते हैं। नेचुरल जस्टिस के यहाँ पे दो कोर यहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं, जो पहला ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस का जज नहीं हो सकता, और दूसरा है यहाँ पे एक फेयर हियरिंग होगी। ओके, जजेस लाइक सीजर्स वाइफ शुड बी सस्पिशियन। जजेस को एक तरफा यहाँ पर बात नहीं सुननी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल बायस इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केस था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 1986 के अंदर, उसके अंदर डिक्लेयर किया दैट द रिमूवल ऑफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन अ ग्राउंड ऑफ अ मिसकंडक्ट वाज विटिएटेड ऑन ग्राउंड ऑफ बायस एज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी वर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। तो जब सुप्रीम कोर्ट बाकी सारे केसेस में नेचुरल जस्टिस को अप्लाई कर सकती है, तो खुद के केस में यहाँ पर क्यों नहीं किया गया? सिमिलरली 1957 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने मनक लाल केस के अंदर ये बोला था, इन सच केस द टेस्ट इज नॉट वेदर द बायस हैज अफेक्टेड द जजमेंट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर वो व्यक्ति खुद के केस का जज होना ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पे हुआ था। ओके, तो ये एक आर्टिकल था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 आपको खबर मिलती है, US सैंक्शंस वोंट गो विदाउट अ रिस्पॉन्स। तो US ने ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए, और May 2 से इंडिया भी और ज़्यादा क्रूड ऑयल ईरान से नहीं ले पाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामने ने यहाँ पर जो ऑयल सैंक्शन लगाए गए हैं, जो वेवियर नहीं दिया गया है, उसके लिए बोला कि यहाँ पर जो ईरान है वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा नहीं है कि ईरान चुप बैठा रहेगा। उन्होंने बोला कि यूएस का जो एफर्ट है टू बॉयकॉट द सेल ऑफ ईरान्स ऑयल वोंट गेट देम एनीवेयर। यूएस को वो कहीं भी नहीं लेकर जाएगा, और वो अपना जो ऑयल है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करते रहेंगे एज मच एज वी नीड एंड वी इंटेंड। यूएस ने अनाउंस किया था कि जो प्रैक्टिस है, जो बहुत सारे 8 देशों को यहाँ पर एग्जम्पशंस दिए गए थे, रिलैक्सेशन दिए गए थे, जिसके अंदर इंडिया, चाइना और टर्की इंपॉर्टेंट पार्ट थे, उनको भी अब यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिए जाएंगे। May 2018 के अंदर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील जो है 2015 वाली, उससे अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए थे, वापस ले लिया था US का पोजीशन, जिसने यहाँ पर जो इस्लामिक रिपब्लिक सैंक्शंस हैं वो वापस से लगा दिए थे। ओके, और यहाँ पर जो रिलीफ मिले हुए थे ईरान को US की साइड से, वो वापस ले लिए थे। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका यही कहना है कि आपने हमारे ऊपर सैंक्शन तो लगा दिए हैं, बट ये एक हॉस्टाइल मेज़र है, और US जो हम ईरान है वो इसके ऊपर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13 की तरफ आपको खबर मिलती है, लाहौर ट्रांजिशंस ओपन अप एवेन्यूज फॉर IT मेजर्स। नाउ यहाँ पे बात हो रही है लाहौर के बारे में, लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के बारे में। सबसे पहले लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज लाइबोर? लाइबोर की फुल फॉर्म है यहाँ पर लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है एट विच मेजर ग्लोबल लेंड टू वन अनदर इन द इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। जब कोई इंटरनेशनल बैंक किसी दूसरे इंटरनेशनल बैंक को लोन देता है, उस पर्टिकुलर समय पर जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है उसको हम लोग लाइबोर के बेसिस पे जानते हैं। लाइबोर स्टैंड फॉर लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड की बेंचमार्क रेट है, जिसमें जो बोरोइंग कॉस्ट है किसी बैंक की वो कितनी रहने वाली है उसे निकाला जाता है। इस रेट को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईच डे, हर दिन के बेसिस पे करते हैं, और इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज यहाँ पर कैलकुलेट करता है। ओके, जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है वो एडमिनिस्टर करता है लाइबोर को, विच आस्क मेजर ग्लोबल बैंक कि हाउ मच दे वुड चार्ज अदर बैंक फॉर दी शॉर्ट टर्म लोन्स। तो इसी हिसाब से यहाँ पे मेथोडोलॉजी बनाई जाती है। हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में इसी तरीके से हम लोग माइबोर का इस्तेमाल करते हैं
ओके, मुंबई इंटरबैंक एक्सचेंज रेट या ऑफर्ड रेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमारा देश का एक बैंक दूसरे देश के बैंक से पैसे लोन में लेता है। खबर आपको मिलती है लाइबॉर ट्रांजिशंस ओपन अप एवेन्यूज फॉर दी आईटी मेजर्स। तो अब यहाँ पर जो साइजेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो खुलने वाली है बड़ी बड़ी आईटी फर्म कंपनीज के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे लीडिंग प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया के भी हैं। जो इंडिविजुअल बैंक होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, लेंडिंग हाउस होंगे, वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली स्पेंड करने वाले हैं $50 मिलियन से लेकर $100 मिलियन अ ईयर तक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स अंटिल द माइग्रेशन इज कम्प्लीटेड बाय एंड ऑफ 2021। और यहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री है वो 50% अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लेने वाली है। तो आईटी इंडस्ट्री भी यहाँ पर अब बैंकों से, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनसे पैसे ले पाएगी। जो रेगुलेटर्स हैं ग्लोबली, उन्होंने यहाँ पे फर्म्स को बोला है टू मूव अवे फ्रॉम द लाइबॉर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो बाकी सारे यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स पे भी आप मूव कर सकते हो, जैसे रिस्क फ्री रेट्स पे आप लोग मूव कर सकते हो, डेरिवेटिव्स पे, बॉन्ड्स पे, मॉर्टगेजेस पे, लोन्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, सिक्योरिटीज़ पे, अंडरराइटिंग्स पे, तो इन सब चीज़ों पर भी आप लोग मूव कर सकते हो। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अराउंड द माइग्रेशन वो यहाँ पे इंक्लूड करती हैं असेसमेंट ऑफ करंट एक्सपोजर टू लाइबॉर, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन आने वाली है, एक नया कोड आने वाला है जो कि एक नया बेंचमार्क रूट रेट लेकर आएगा, और लाइबॉर के अलावा भी यहाँ पर और भी जो रेट्स हैं वो बाकी सारे लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। एज फार एज द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर कंसर्न, अगर हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो करेंटली लिंक्ड हैं लाइबॉर से, वो यहाँ पर एक ऑप्टिमम बेंचमार्क रेट की तरफ मूव कर जाएंगे, एक नए बेंचमार्क रेट की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसके लिए हम लोगों को रीमॉडलिंग, प्रिडिक्टिंग टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल चेंज की थोड़ी सी ज़रूरत होगी। बट ये एक अच्छा स्टेप है जिससे हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है। लाइबॉर से रिलेटेड और कोई डाउट हो तो आप लोग पेज को पॉज करके देख सकते हो, और टेलीग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कर देना। आगे बात करेंगे पेज नंबर 13 पे, RBI डाइवेस्ट्स इट्स एंटायर स्टेक इन नबार्ड एंड HFB। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके पास जितने भी स्टेक थे जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर थे, जो कि रेगुलेटर है हाउसिंग फिनेंस कंपनीज का, एज वेल एज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड है, उसके जितने भी स्टेक्स थे यहाँ पर वो सारे के सारे सरकार को दे दिए हैं। अब सरकार इन दोनों ही बैंक्स के अंदर 100% स्टेक्स होल्ड करता है। जो ट्रांजिशन है इट वर कंप्लीटेड ऑन February 26 फॉर नाबार्ड एंड March 19 फॉर NHB। RBI के NHB के अंदर पहले 100% शेयर होल्डिंग थी, और RBI ने 1,450 करोड़ रुपीज़ को डाइवेस्ट कर दिया। नबार्ड के स्टेक की बात करें तो उसको दो फेज के अंदर डाइवेस्ट किया गया। RBI के पास 72.5% स्टेक थे नबार्ड के, अमाउंटिंग फॉर 1,450 करोड़, जिसमें से 71.5% अक्टूबर 2010 के अंदर डाइवेस्ट कर दिया गया था। यहाँ डाइवेस्ट का मतलब है यहाँ पे सरकार को दे दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट जो हुआ है RBI के स्टेक का नबार्ड के और NHB के, वो यहाँ पे नरसिम्हन कमेटी 2 के रिकमेंडेशन पे हुआ, और जो डिस्कशन पेपर था जो कि RBI ने प्रिपेयर किया था ऑन दी हार्मोनाइजिंग द रोल एंड ऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। पेज नंबर 18 आपको खबर मिलती है मैजिक मिल्क फाइटिंग इन्फेक्शंस विद क्लू फ्रॉम दी एचिडना। तो यहाँ पे जो आपको एक जानवर दिख रहा है इट इज़ नोन एज एचिडना। ओके, एक एग लेइंग मैमल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो CSIR के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन ढूंढा है एचिडना के मिल्क में से। ओके, तो एचिडना का जो मिल्क है उसमें से यहाँ पे एक प्रोटीन ढूंढा गया है, और बात की जा रही है जो प्रोटीन है वो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के एक अल्टरनेटिव के रूप में काम कर सकता है, जिसको लाइफ स्टॉक्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। एचिडनास ऑल्सो नोन एज स्पाइनी एंटीयाटर्स, जो कि यूनिक एग लिंग मैमल्स हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के अंदर मिलते हैं। दे आर यंग हैच एग्स एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ डेवलपमेंट, और डिपेंड करते हैं कम्प्लीटली ऑन देयर मदर्स मिल्क। और जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं इन जो एचिडनास के, दे आर डिवॉइड ऑफ निप्पल्स। ओके, फोर्सिंग द यंग वंस टू लिक मिल्क फ्रॉम द मदर्स बॉडी सरफेस एंड पोटेंशियली मेकिंग देम वल्नरेबल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दे डोंट हैव निप्पल्स, उनके पास निप्पल्स नहीं है, तो जो उनके बच्चे होते हैं वो उनकी बॉडी सरफेस से सक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे मिल्क को। हाउएवर नेचर प्रोटेक्ट्स इट्स मिल्क, इट्स ओन जो मिल्क होता है चेडने का, उसके अंदर प्रोटीन होता है,
जो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियल स्पीसीज के, उनको पंक्चर कर देता है, उनको ख़राब कर देता है, और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल साइंटिस्ट करना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स की जगह पर जो प्रोटीन है उसका इस्तेमाल किया जाए। जो सुपर बग होता है जो कि मेटास्टेसिस भी कॉज कर सकता है, जो कि एक इन्फेक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर इन डेयरी एनिमल्स, उससे भी डील कर सकता है ये हमारा प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 18, घाना लॉन्चेस मेडिकल ड्रोन सर्विस। तो घाना के अंदर यहाँ पर लॉन्च की गई है एक ड्रोन की मेडिकल सप्लाईज के लिए यहाँ पे सर्विसेज, जिसकी मदद से जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे मेडिकल सप्लाईज आसानी से पहुँचा सकेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विस है, और यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर ड्रोन को भी देख सकते हो। तो घाना के अंदर जो बहुत सारी पुअर रोड्स हैं उनसे बचते हुए ये ड्रोन जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर अच्छी खासी मेडिसिन को सप्लाई कर देगा। तो जिपलाइन यहाँ पे वो पर्टिकुलर US बेस्ड कंपनी है जो कि अलग अलग साइट्स में ऑपरेट कर रही है, और जो ओमैनको है इट इज़ द फर्स्ट ऑफ 4 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स जिन्होंने यहाँ पे अपने अपने यहाँ पे ऑफिसेस खोले हैं। ओके, और याद रखना कि घाना ने इस तरीके की सर्विसेज स्टार्ट की है। पेज नंबर 18 पे आपको खबर मिलती है, चाइना अनाउंसेस प्लान टू बिल्ड मून स्टेशन इन 10 ईयर्स। जिस चीज़ का हम लोगों को अंदाशा चल रहा था जब से चाइना ने यहाँ पे चांगी 4 मिशन प्रोब भेजा है, हम यही कह रहे थे कि चाइना शायद प्लान कर रहा है कि एक मून स्टेशन बनाएगा। चाइना ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया ऑन द स्पेस डे कि यहाँ पर वो बहुत ही जल्दी एक मार्स मिशन भेजेंगे 2020 में, और कंफर्म किया अपना 4th लूनर प्रोब द चांगी 5 प्रोब, जिसको यहाँ पर 2019 के एंड पे लॉन्च किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे बात की गई कि बहुत ही जल्द वो एक रिसर्च स्टेशन बना देंगे मून के ऊपर, जो कि एक मेजर स्टेप होगा वर्ल्ड पावर और स्पेस पावर बनने की एक जर्नी में। और यहाँ पर आपको बता दूँ, चाइना पहला ऐसा देश बना था जिसने एक रोवर लैंड कराया ऑन द फार साइड ऑफ द मून, मून की उस साइड पर कराया जो हम लोगों को कभी दिखाई नहीं देती है। चाइना ने अनाउंस किया कि जो उनका Mars 5B रॉकेट है वो अपनी मेडन फ्लाइट भरेगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, जिसके अंदर जो कोर पार्ट्स हैं प्लैंड स्पेस सिस्टम के, जो टैंगोंग है उसको यहाँ पर भेजा जाएगा। अभी अभी जो स्पेस स्टेशन है चाइना का, दैट इज टैंगोंग 2, जो अभी प्रेजेंटली स्पेस के अंदर है। टैंगोंग 1 यहाँ पर एक्सपायर हो गया था। टैंगोंग का मतलब होता है हेवनली प्लेस, ओके, और एक टैंगोंग है जिसको 2022 के अंदर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। पेज नंबर 18 पे आपको एक और खबर मिलती है, नासा प्रोब पिक्स अप फर्स्ट डिटेक्टेड मार्स क्वेक। तो नासा ने एक इनसाइट मिशन भेजा था, इनसाइट लैंडर भेजा था, जो कि जिसका सबसे बड़ा मकसद था यहाँ पे जो मार्स क्वेक्स हैं उनको यहाँ पर स्टडी करना। जिस तरीके से हमारे अर्थ पे अर्थ क्वेक्स आते हैं, मार्स पे क्या आते हैं, मार्स क्वेक्स आते हैं, क्योंकि मार्स में भी आप लोगों को टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी, इससे हम लोग जो रॉकी प्लैनेट है जो बिल्कुल अर्थ के जैसा है उसको और भी ज़्यादा डिटेक्ट कर सकेंगे। मार्स के अंदर हम लोगों को कुछ पानी के अवशेष भी मिले हैं, कुछ ही दिनों पहले हम लोगों को कुछ मशरूम टाइप चीज़ें मिली थी, हैमाटाइट रॉक हम लोग यहाँ पर ढूंढ चुके हैं क्यूरोसिटी रोवर की मदद से। तो नासा का जो इनसाइट लैंडर है उसने यहाँ पे पहला मार्स क्वेक को डिटेक्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि अभी भी जो मार्स है वो सिस्मिकली एक्टिव है। ओके, मार्स इज टिल नाउ सिस्मिकली एक्टिव। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों के लिए सामने आई। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को, लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो को एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ गुड डे अहेड।